नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए वर्मी कंपोस्ट यूनिट में। हम आपको दिखाते हैं कैसे एक किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट का काम करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और किस प्रकार इसको किया जाता है। आइए उनसे मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी सुखदेव शिवकंद। सर, आपने इस क्या आपके दिमाग में आया कि भाई मेरे को वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट का काम तो जी न्यू है, अपना जो खेती करने लग रहे हैं, हमें प्राकृतिक खेती करने लग रहे हूँ। और प्राकृतिक खेती में ना कि जैविक कहूँगा मैं इसको, जैविक में तो बायो के प्रोडक्ट बाहर से लाने पड़ेंगे। मेरी कोशिश यह है कि मैं मेरा खेत में से ही तैयार करके खाद या दवाई बनानी है जो मतलब प्राकृतिक तरीके से वो ही डालूँ, तो ये उसकी एक कड़ी है। ये आपने शुरुआत जब की, किसी से प्रेरित होकर किया, आपके खुद के ही दिमाग में था कि मेरे को ये जैविक वाला काम करना चाहिए? प्रेरित तो जी ऐसा है, किसान है ना, प्राकृतिक खेती तो वैदिक काल तक करने लग रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है जो आपने की है कि किसान भाइयों को इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ से मिलेगा इसमें? इसका बेनिफिट सबसे पहले ये है कि ये केंचुए द्वारा तैयार हुआ है। ये जो केंचुए हैं, ये जो गोबर है, गोबर को अपघटित कर देते हैं, डीकम्पोज कह देते हैं। हाँ, और ये कह लो नॉर्मल सी बात है जी, सीधा ये कह लो। अभी अपने 5 बेड तैयार किए हैं आपने, हाँ, तो एक बार इनमें दिखाओगे भाई कहाँ कैसे आपने इनको कर रखा है? केंचुए दिखाओगे एक बार? ये तैयार हो चुका है खाद? हाँ, ये ऊपर से तैयार हो रहा है, ऊपर से ये तैयार हो गया। हाँ, केंचुए नीचे चले जाऊंगा, जितना खाद तैयार होता रहेगा ना उसके नीचे चले जाएंगे केंचुए, चलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे वो नीचे, उसको खाते रहेंगे। हाँ जी, ये नसवार का टाइम में बनाते रहेंगे, काला इसको जी, काला सोना पूरा रंग हो जाएगा। अच्छा, नहीं बिल्कुल काला हो जाएगा जी, चाय पत्ती का सही हो, बुरबरा। हाँ, स्मेल तो खत्म, स्मेल तो अभी नहीं इसके अंदर जी, स्मेल तो रहती नहीं इसमें, क्यों उसमें वो गैस हुआ जी। ये इसने ऑस्ट्रेलिया फर्टिडा कैसे बोल रहे हैं इसने जी, क्या बोलते हैं इसको? ऑस्ट्रेलिया फर्टिडा। अच्छा, अपने तो प्रजाति है ना, ये काम कर रही करती है, और तो कैसे तो मिट्टी वाले भी होते हैं। ये जो खाद ये तैयार कर देंगे ये फसल में लाभदायक है जी? बिल्कुल, कहने की बात नहीं है। जैसे वो तो खेत में ट्राली गेड़ा कम से कम नहीं होगा, 150 से 200 क्विंटल तो कम से कम चाहिए। अरे इसमें सारा शुरू में भी अगर हम ओगेड़न लगा तो 8-10 क्विंटल में काम चल जाए है। इनको किसी चीज़ से बचा के भी रखना पड़ता है जब तक ये खाद तैयार नहीं हो जाता? देखो मेन बात तो यह है, गर्मी से बचाना हुआ है मेन बात तो। अच्छा, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया फर्टिडा नाम की जो प्रजाति है इसकी टॉलरेंस पावर कुछ ज़्यादा है, वातानुकूलन इनमें काफी ज्यादा है, ये 45 डिग्री तक सहन कर लेता है। वैसे टेम्परेचर 45 डिग्री तक सहन कर लेता है। हाँ, जो वैसे तो स्टैंडर्ड साइज तो इसका है 4.5x30 का, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि मतलब इतना ही करना है, हमने जगह की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम कम ज्यादा कर लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई 4.5 फुट। अच्छा, 4.5 फुट और लंबाई कितनी होनी? लंबाई वो मतलब जगह की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर ले कोई जगह। हाँ, वैसे 30x4.5 हो तो मतलब ठीक है। आपने इसको कवरिंग भी कर रखी है ऊपर से? हाँ हाँ हाँ। इसका क्या वैल्यू है कि भाई इसको कवर करने की क्या जरूरत पड़ी? ये 2-3 फायदे हैं कवरिंग करने के। एक फायदा तो ये है कि मतलब ये जो है ना केंचुआ, इसका आंख नहीं होया करती, यू अंधेरा में ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखो मतलब डायरेक्ट सनलाइट तक बचाने खातर, ताकि मतलब केंचुआ का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो इस कारण से डटा जाता है। नमी बना के रखते, एक नमी बना, नमी बनाने के लिए। एक चौथा एक और है जो आकाशी जानवर है नी, जैसे बुगला है, डिंगा है, कबूतर है, वो भी चुक जगह नहीं देती जी, उनसे भी बचाने के लिए सेफ्टी। चूहे वगैरह से भी बचाना पड़ता है इनको? चूहा तो नहीं खाता है इनको, मेंढक है, मेंढक खा जाएगा, बगला, मेंढक, इनसे बचाना पड़ता है, बचाना पड़ता है, और कोई नहीं। और ये कितने दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है? ये तो शुरू में तो न्यू कह लो 60 दिन में तारा है पहली लेयर तो इसकी। हाँ, फिर तो 15 दिन में उतरने लग जाए। 15 दिन में पहली लेयर, 60 दिन में उसके बाद 15 दिन। हाँ, 15 दिन में लगभग न्यू कह लो 3 से 3.5 भी नहीं कह लो मैं, ये मतलब क्लियर बेड हो जाएगा। जो नीचे बचेगा सिर्फ इसका वर्मी का कल्चर बचेगा, कल्चर बचेगा। हाँ, और वो कल्चर है ना वो दूसरी बेड पे या फिर इसे बेड में नया गोबर डाल के उसमें कर लिया, और ये कह लो इनकी संख्या भी 3-3.5 महीने में लगभग दुगुनी हो जाए, डबल हो जाए। इनकी लाइफ का भी कुछ होता है केंचुए की लाइफ का? लाइफ तो ये है जी, मतलब बता तो दिया आपने कि हाँ। मतलब आज जो जितने केंचुए डाले हाँ। ये कह लो 3-3.5 महीने में है ना दुगने हो जाएंगे। अच्छा, डबल हो जाएंगे। हाँ हाँ, अपना काम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं? बिल्कुल ठीक है।
ये तो एक ईसा मजदूर है जो बिना दिहाड़ी काम करे है। खाना खाना पे खाने खाने पे खाना पे काम कर रहे है, हर दिन रात को 24 घंटे कर रहे हैं। 24 घंटे का 24 घंटे बेचारा लड़का ही साल है। डायरेक्ट गीला गोबर आप डालते? नहीं, डायरेक्ट गीला गोबर नहीं डाला जाता, इसको ठंडा करना पड़ेगा पहले। अच्छा, इसको ठंडा करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी काट सी देनी पड़ेगी। और इसमें गोबर के अंदर एक मीथेन गैस का स्रोत बहुत ज्यादा हुआ है। गोबर तो उसकी जो मीथेन गैस है ना, गंध जिसके कारण होती है, एक तो वो गंध उससे चली जाओगी, और एक जो मतलब गोबर गर्म होता है, अगर गर्म गोबर डालेंगे बेड के ऊपर तो केंचुए मर जाएंगे। अच्छा, क्यों? केंचुए का ये बहुत नाजुक चमड़ी हुआ है केंचुए की, अगर गर्म में वो करेंगे तो वो मतलब उनकी त्वचा पर काफी इफेक्ट पड़ेगा, वो मतलब मर जाएंगे। आपने यहाँ कच्चा गोबर डाल दिया और यहाँ छोड़ दिया आपने केंचुआ? हाँ जी। अगर उसका खाने के अवेलेबल नहीं हुआ ना हो तो केंचुआ नहीं जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो उसे खाने का लगेगा उसके पास गर्माई नहीं है, गंध नहीं है, कोई और नहीं है कोई चीज की। जब इसके अंदर केंचुआ घुसा नहीं, केंचुआ घुसेगा इसके बाहर ही घूमता रहेगा। ये बहुत जरूरी बात बताई है इन्होंने, अगर आपके गोबर में कोई नमी होगी या मीथेन गैस थोड़ी बहुत भी अवेलेबल होगी तो केंचुआ इसके अंदर एंट्री करेगा ही नहीं, वो बाहर बाउंड्री पे ही घूमता रहेगा। कोई भी बेड तैयार करना तो सबसे पहले गोबर के अंदर जो मीथेन गैस होती है उसको रिमूव करना पड़ता है, पानी डाल के उसमें 2-3 बार हमें उसकी गैस बाहर निकालनी पड़ती है। जब उसकी बिल्कुल गैस निकल जाती है, गोबर तैयार हो जाएगा, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं रहेगी, उस गोबर को फिर आप डालो बेड पे, जब ये आपका खाद तैयार करेगा केंचुआ। गर्मी में 2 बार इस पे पानी डाला जाता है, एक सुबह के टाइम, एक शाम को रात के टाइम, ताकि ये ठंडक रहे। केंचुए से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, वो ठंड में रहना। आप देख सकते हो केंचुए को, ये अपने प्रोसेसर में लगे हुए हैं, अपनी प्रक्रिया में, खाद को तैयार करने की प्रक्रिया में। मॉइस्चर को टेस्ट करने के लिए ना, थोड़ा थोड़ा पानी है ना रिसना चाहिए, पानी रिसना चाहिए। अपना देसी सैंपल, ये देसी तरीका है चेक करने का, मॉइस्चर चेक करने का। ये आप देख सकते हो पानी आ रहा है, ये देसी तरीका है मॉइस्चर चेक करने का केंचुओं के लिए। बताइए हमें जी, 1 एकड़ में ये खाद कितना डलता है? 8 से 10 क्विंटल डले। 8 से 10 क्विंटल, हाँ हाँ, शुरू में। अगर हमने मतलब नहीं कह लो ऑर्गेनिक ही करना है, कहना मतलब प्राकृतिक करना है, कहना ऑर्गेनिक नहीं कहूंगा, प्राकृतिक करना है, तो शुरू में अगर मतलब देखो डोज तो देनी पड़ेगी, शुरू में 8 से 10 क्विंटल, आगे है ना घटता, वो मतलब वो आ जाएगा अपना उस पर लेवल पे। अच्छा, एक चीज और आपने बताई, इस खाद में और जो दूसरा हम खाद डालते हैं, कुछ अंतर है? हाँ जी, अंतर है। क्या अंतर है? बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई फर्क क्या है इनमें, क्यों हम ये खाद डालें अपनी फसल में। देखो ऐसा है, यू खाद है जो यू टोटली प्राकृतिक विधि तैयार कराया गया है, बिना कोई किसी केमिकल का है। यो जैसे केमिकल वाला खाद डाला, हाँ हमने पता है कि हमारी जो उर्वरा शक्ति है ना हर रोज घट रही है, उसके साइड इफेक्ट भी हैं केमिकल का कोई भी प्रयोग है, बिल्कुल, चाहे वो खरपतवार उसमें वो खरपतवार नाशन के लिए हम केमिकल डाला, हाँ, या फिर मतलब हम वैसे स्प्रे करा हाँ किसी रोग की रोकथाम के लिए, तो उनके साइड इफेक्ट हैं। और हमारा जो कार्बन लेवल है 1 से भी नीचे चला गया है, जबकि खेत का कार्बन लेवल है ना 4% तक कम होना नहीं चाहिए अगर हमने खेती करनी है, तो उनके साइड इफेक्ट होने के कारण है ना, जैसे आपने देखा होगा पहले 1 किला में 1 कट्टा यूरिया का डाला कर दे, आज 4-4, 5-5 कट्टे पर पहुंच रहे हैं लोग, वो तो पूरा जहर है। डीएपी है वो मतलब 1 कट्टा डाला कर दे, 2-3 कट्टे पर जा रहे हैं, कहने का मतलब 8-10 कट्टे का प्रोसेस हो रहा है आज, और आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये ईशा सौदा है, इसने आज जितना फालतू डालेंगे तड़का मतलब कम जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह है, एक इसके साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, एक धरती में पानी पीने की शक्ति बढ़ावेगा ये। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है, हमारे देश का किसान फर्टिलाइजर को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। आज का जो दौर है वो टोटली ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ता जा रहा है, किसान अपने आप को ऑर्गेनिक की तरफ रुझान दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो आज फर्टिलाइजर से हम जहर ही खा रहे हो और कुछ नहीं खा रहे, ऑर्गेनिक से कम ये तो होगा कि भाई हम जो खा रहे वो शुद्ध तो खा रहे हैं। अगर आपको हर चीज़ चाहिए, शुद्धता चाहिए, तो आपको अपनी खेती को टोटली ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सर, अगर आपके पास कोई आता है, अपना फ़ोन नंबर और एक बार अपना नाम बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? नाम है सुखदेव श्योकंद, केयर ऑफ श्योकंद जहर मुक्त कृषि एवं उत्पाद फार्म, और खड़गपुरा गाँव है, उचाना तहसील है, जिला जींद हरियाणा। इस समय आइए, फ़ोन नंबर है 94-660-78-435। एक बार दोबारा बोल दीजिए, 94-660-78-435, 9460
7843 5। दोस्तों वीडियो में मैंने इनका नंबर डाल दिया है, किसी भी किसान भाई को संपर्क करना है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको इनका इसका तरीका भी बताएंगे और आपको इसकी ट्रेनिंग भी देंगे कैसे इसको तैयार किया जाता है, कितनी ये फ़ायदेमंद है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए।